या तो हम फेंक लेते हैं या तो किसी कबाड़ी वाले को दे देते हैं, अगर फ्रिज वगैरह या कुछ भी होता है वो भी हम कबाड़ी वाले को देते हैं ना, तो ये रिसाइकलिंग का प्रॉपर जो साइंटिफिक वे है ये नहीं है। मीन कि हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं लेकिन जैसे हमें रिसाइकलिंग करनी है वैसे नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं। दूसरी मैं एग्जाम्पल लूँ तो इटाई इटाई डिजीज का आपने सुना होगा, वो भी एक टॉक्सिक केमिकल जो कैडमियम था उसकी वजह से, वो भी जापान में, जापान क्योंकि इंडस्ट्रियल कंट्री थी, ठीक है, बिफोर सेकंड वर्ल्ड वार, तो जापान में चाहे मिनामोटा डिजीज हो या इटाई इटाई डिजीज हो, ये दोनों जो डिजीज है ये जापान के शहर में हुई थी। और 1960 में जो इटाई इटाई डिजीज फैली थी इसमें भी बहुत सारा मतलब बहुत सारा लॉस हुआ था इसकी वजह से। तो ये कैडमियम हो या मरकरी हो, कोई भी एलिमेंट आप ले लो, ये सारे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसमें पाए जाते हैं। तो आपका सवाल उठता है, ठीक है आप बोल रहे हैं कि रिसाइकिल हम करते हैं, तो अगर रिसाइकिलिंग कर रहे हैं तो रिसाइकिलिंग आपने बोला कि कबाड़ वाले इसको नहीं देना है या जितने भी साइकिल वाला जाते हैं उसको नहीं देना है, तो फिर किसको देना है? तो